हिमाचल प्रदेश सरकार की बॉयलर फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए चलाई जा रही योजना युवाओं को रोजगार की नई राह प्रदान कर रही है। सरकार की इस योजना से प्रभावित होकर सुंदर नगर के दो युवा भाइयों ने ग्राम पंचायत महादेव के हटली गांव में किराए पर पोल्ट्री फार्म लेकर वहां पर कार्य शुरू किया और पिछले 4 माह में ही अपनी मेहनत से लाखों रुपयों का मुनाफा अर्जित किया है। युवा अमान व हसीब ने बताया कि कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन से पहले दोनों भाई दिहाड़ी लगाते थे, लेकिन लॉकडाउन ने उनका रोजगार छीन लिया। ऐसे में उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह परिवार का पालन पोषण कैसे करें। इसी दौरान उन्हें हिमाचल प्रदेश सरकार की बॉयलर फार्मिंग योजना का पता चला, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने भी बॉयलर फार्मिंग का काम करने का निश्चय किया। मेरा नाम मोहम्मद अमान है, मैं डाबर निवासी हूँ। मैंने यहाँ पे रफ़ी पोल्ट्री के नाम से महादेव में फार्म लिया है। इस यहाँ पे मुझे 7-8 महीने काम करते हो गए हैं। तो जो हमारा चूजा है जो पंजाब से आता है, जिसे हम बड़ा करके आगे सेल करते हैं। अभी हमारे पास 4-5 वैरायटी के मुर्गे हैं, कड़कनाथ, क्वाइलर और ब्रॉयलर है। देसी मुर्गे भी हमने रखे हैं। कड़कनाथ जो वैरायटी है उसका यूज़ कैंसर की बीमारी के लिए होता है। और 6-7 महीने पहले हमारे पास कोई रोज़गार नहीं था। हमने जब से पोल्ट्री फार्म का काम स्टार्ट किया है, तब से हमें अच्छी इनकम आ रही है इससे। हिमाचरी तथा पोल्ट्री फार्म सुंदरनगर से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ पे जो है वो चैबरो नस्ल के पक्षी पाले जाते हैं और उनके साथ जो है हमारे यहाँ पे हैचिंग एग्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनसे कि हम यहाँ मशीनों के द्वारा चूजे उत्पन्न करते हैं। ये चूजे जो है वो विभिन्न स्कीमों की तरह तहत 6 जिलों में जो है वो सप्लाई किए जाते हैं। ये जिले जो हैं वो चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर हैं। इनमें बैकयार्ड पोल्ट्री स्कीम के तहत, जिसमें कि हमारे यहाँ से बैकयार्ड पोल्ट्री में चूजे जा रहे हैं और वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि कि हमारा जो फार्मर है, हमारा जो किसान है, वो अपने घर के आंगन में या घर के पिछवाड़े में इन्हें पाल सके और उन्हें प्रोटीन की मात्रा जो है वो पूरे तौर पे मिल सके। ये जो है ब्रीड, हमारी चैबरो जो ब्रीड है वो डुअल पर्पज़ ब्रीड है। ये एग्स भी देती है, अंडे भी देती है और साथ में जो है वो हमारे ये बाद में मीट पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल होती है।